माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप तो आपके घर से यह आवाज निकली कि शराबबंदी एक महत्वपूर्ण अभियान है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर आलोचित के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी पर समीक्षा की मांग कर दी। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने शराबबंदी का समर्थन कर दिया और उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाने की बात कह दी। अब ये मामला तूल पकड़ चुका है, इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में जदयू के MLC नीरज कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। सच बोलता है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जब हम लोग कहते थे कि अपनी पत्नी से, अपने बेटा बेटी से आप इस बात की जानकारी लीजिए कि शराबबंदी एक सामाजिक जड़ता पर वज्र प्रहार है या नहीं, एक महत्वपूर्ण अभियान है कि नहीं, तो तरह तरह के राजनैतिक अपभ्रंश की भाषा बोली जाती थी। आप तो आपके घर से यह आवाज निकली कि शराबबंदी एक महत्वपूर्ण अभियान है और इसको सफल बनाना है। तो अब हम तो उम्मीद यह करते हैं कि अपनी पत्नी द्वारा कहे हुए कथन कि शराबबंदी को सफल बनाना है, तो इस सामाजिक अभियान में अपना यज्ञ में, क्योंकि आप तो अब यज्ञ वाले हो गए हैं, तो यज्ञ में आहुति दीजिएगा या नहीं, यह बिहार की जनता जानना चाहती। वहीं बताते चले कि एक और जहां पर आलोचित पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शराबबंदी पर समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने शराबबंदी पर लोगों से समर्थन करने की अपील की है। हालांकि इस दौरान नालंदा में उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद पर जमकर बरसते नजर आए। दरअसल राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रालोजित का 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर होते रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार अपने कर्मों के वजह से PM नहीं बन सकते हैं, उन्होंने सभी अवसरों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को लगता है कि जो बात सही है जो वो वही कहते हैं, अगर उनके मन के विपरीत कोई भी बात कीजिएगा तो आप विरोधी हो जाइएगा। उनको लगता है कि वो मात्र हरिश्चंद्र है, बाकी सब चोर है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन दिनों नीतीश कुमार तेजस्वी को कंधे पर बिठाकर राज्य राज्य घूम रहे हैं, लालू जी आकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कोई चिंता मत करना, हम तो साथ है ना। अगर आशीर्वाद लेना देना था तो 18 साल पहले ही आप दोनों फरिया लेते, बीच में बिहार की जनता को क्यों लाया गया। नीतीश कुमार ने सारा अवसर खो दिया है और एक से एक उल्टा पलटा निर्णय ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा काफी हमलावर नजर आए, उन्होंने नीतीश कुमार सहित लालू यादव को भी लपेट दिया और जमकर बरसते नजर आए। इसी पर जदयू MLC नीरज कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने शराबबंदी के फायदों को गिना दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने घर से ही सीख लेना चाहिए, जब उनकी पत्नी शराबबंदी का समर्थन करती है तो उपेंद्र कुशवाहा इस बात को क्यों नहीं समझते, क्यों वो सड़कों पर आ गए हैं, झूठ मूठ का बयानबाजी करते रहते हैं और नीतीश सरकार पर उंगली उठाने से पहले शराबबंदी के फायदों को गिन लेना चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।